नमस्कार, एक बार फिर से मैं रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपको ये बता दूं कि आप इस वक्त मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं एकदम नए अंदाज में, क्योंकि अगले एक घंटे तक आप सिर्फ खबरें नहीं जानेंगे बल्कि आपको वो सच भी पता चलेगा जिसे आपसे छिपाया जाता है। मास्टर स्ट्रोक में हमारा सिर्फ एक एजेंडा है और वो है आप, यानी हमारे दर्शक। जैसा हमने आपसे वादा किया कि हम भावनाएं दबाकर झूठ नहीं बताएंगे, राजनीति में प्रजानीति पीछे नहीं छोड़ेंगे हम, और जो छोड़ते हैं उन पर सवाल करेंगे। खबरों के उस अनकहे पहलू को कहना, जो छिपा है उसे बताना हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा। कोई भागम भाग नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, इत्मीनान से आपकी भाषा, आपका अंदाज और आपकी फिक्र, यही है एबीपी न्यूज का नया मास्टर स्ट्रोक। और शुरू करते हैं खबरों का मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले, आज सुबह से ही देश की महिलाओं की फिक्र कर रहा है देश, चाहे वो सबरीमला का मामला हो या फिर एमजे अकबर का। सबरीमला में महिलाओं पर राजनीति हावी रही, लेकिन एमजे अकबर के मामले में महिलाओं की आवाज के सामने राजनीति हार गई। महिलाओं के हुंकार में अकबर का दरबार छूट गया, क्योंकि सबरीमला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी महिलाएं उधर प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आप सोचिए, आजादी के 71 साल बाद चाहे कोई भी सरकार हो, सबने महिलाओं को लेकर क्या किया? बड़े बड़े वादे किए, उन्हें समानता का अधिकार देने के नारे लगाए, मैनिफेस्टो में उनके लिए अच्छे खासे पन्ने किए, उनकी आजादी की बातें कही, कुछ हुआ भी? लेकिन बहुत कुछ बाकी रह गया। जो हुआ वो इसलिए हुआ कि उससे राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सके। मुस्लिम महिलाओं की आजादी की बात करते हुए 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन यही आजादी और समानता का नारा आज सबरीमला में धराशायी हो गया। सबसे पहले 5 लाइनों में जान लीजिए कि इससे जुड़ी वो 5 बड़ी खबरें हैं क्या, आज हुआ क्या कुछ सबरीमला में। देखिए, केरल में आज अयप्पा मंदिर के द्वार खुल गए, और ये क्यों हुआ और कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाएं दर्शन नहीं कर पाई। दर्शन तो दूर, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, 3 महिला पत्रकारों पर हमला हुआ। महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वालों ने महिलाओं को मंदिर तक पहुंचने नहीं दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के दौरान जमकर हिंसा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज शाम 5 बजे जब पहली बार सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुले, तो भक्तों की भीड़ में एक भी महिला नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि परंपरा के ठेकेदारों ने किसी महिला को अंदर पहुंचने ही नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो भगवान अयप्पा का सच्चा भक्त होने का दावा करते हैं। ये वो हैं जो कहते हैं कि भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाले को 41 दिन तक शुद्ध रहना पड़ता है, लेकिन तन की शुद्धता का दावा करने वाले ये लोग खुद मानसिक तौर पर इतने अशुद्ध हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा करते हुए भी इन्हें शर्म नहीं आई। महिलाएं सबरीमाला तक ना पहुंच पाए, इसीलिए केरल में कल से यही हो रहा है। कल भी आई थी, 2-3-4 महिला लोग आई थी बस से, उनको निकाल के इधर ही छोड़ दिया था, नहीं जाने का बोल दिया था। और एक और औरत आई थी, उसको इतना मारा क्योंकि वो जाने के लिए कोशिश कर रही थी। सबरीमला जाने वाले रास्ते पर आज दिन भर अफरा तफरी मची रही, पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़ते रहे। सबरीमला से 23 किलोमीटर दूर निलक्कल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जहां लाठीचार्ज किया वहीं प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, और उसके बाद पूरा माहौल दंगे में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी हुई जमकर, और इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए, साथ ही साथ कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। महिलाओं के मंदिर जाने का विरोध करने वाले हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। दर्शन के लिए जाने वाली महिलाओं को अपनी उम्र का सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये पहला मौका था जब 10 से 50 साल की महिलाएं भी मंदिर जा सकती थी, लेकिन परंपरा के नाम पर सामने आए भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की, महिलाओं को बीच रास्ते से लौटा दिया, और औरतों के हक पर अंधी आस्था भारी पड़ गई। इस नए मास्टर स्ट्रोक की एक खासियत ये भी है
कि आपको जो खबरें पता है और हर जगह से पता चल रही है उसके बारे में तो आपको बताते ही हैं, लेकिन एक पहलू वो है जो हम बार बार कहते हैं आपसे छिपाया जा रहा है, आपको नहीं पता है, वो भी आपको जानना का पूरा हक है। सबरीमला देश का अकेला मंदिर नहीं है जहां परंपरा के हिसाब से नियम कायदे तय किए गए हों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी हो। केरल का ही है अत्तुकूल भगवती मंदिर, जहां पर पोंगल के दौरान महिलाएं सिर्फ अंदर जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते हैं। ये भी तो गलत परंपरा है ना। उधर कन्याकुमारी जाइए आप, वहां के भगवती माँ मंदिर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते हैं। तो इक्वालिटी कहां गई? अगर पुरुष को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो फिर परंपरा के नाम पर उनसे भी गलत किया जा रहा है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर, वहां पर एक माता का मंदिर है जहां एक विशेष समय में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जा सकती है, उस समय पुरुष पुजारी तक अंदर नहीं जाते हैं, यहां भी भेदभाव हो रहा है। फिर पहुंची राजस्थान, वहां के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन विवाहित पुरुष वहां जा ही नहीं सकते हैं, ये फिर एक भेदभाव है। उसी पुष्कर में भगवान कार्तिकेय का मंदिर जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। उधर असम के पतबुसी सत्रा में भी महिलाओं के जाने पर रोक है क्योंकि उन्हें पीरियड्स होते हैं, इस पर तो चर्चा हो ही रही है लेकिन पुरुषों पर नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के माता मालवी मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती है। और छोड़िए, राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का जिक्र कर दीजिए आप। इस दरगाह में आप एक लेवल तक जा सकते हैं लेकिन जहां उनकी कब्र है हजरत की, उस कब्र पर तो महिलाएं जा ही नहीं सकती है। और यही चीज कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुब मीनार है उसके पास में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह है, वहां भी महिलाएं नहीं जा सकती है, बिल्कुल अंदर एंट्री ही उनकी नहीं है। ऐसा क्यों? पूरा देश ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां पर आस्था और परंपरा महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के हक पर हावी है, पुरुषों के भी हक पर हावी है, लेकिन फिर भी उस परंपरा को बेरोक टोक निभाया जा रहा है, उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन सबरीमला में देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बावजूद जमकर राजनीति हो रही है। अब हमारा सवाल यह है कि आखिर क्यों? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत में रहने वाले हर इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर सबरीमाला में महिलाओं को जाने की इजाजत दी, फिर उन्हें रोकने की कोई कोशिश सही कैसे हो सकती है? माधवी उन हजारों महिलाओं में से एक है जो बेटी के साथ इस उम्मीद में सबरीमाला की तरफ बढ़ रही थी कि बरसों बाद ही सही अपने अधिकार का उपयोग कर पाई, लेकिन बीजेपी समर्थकों के विरोध की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। एक महिला भी जाने के लिए युवती तैयार नहीं है केरल में। सभी युवतियों ने, सभी औरतों ने ये सबरीमाला टेम्पल को देव भूमि के तरह मानता है। तो जो बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उन्हें तीन तलाक से आजादी दिलाती है, वो केरल में हिंदू महिलाओं को बराबरी का हक देने का विरोध क्यों कर रही है? ये हमारा आरएसएस के परिवार का, हिंदू औरतों परिवार के बीच प्रवर्तन करने वाला औरतों का धरना है। ये धरना में अंडे विश्व हिंदू परिषद का लीडर से, हिंदू ऐक्य वेदी का लीडर से, बीजेपी का हमारा सभी सारे लीडर से। केरल में आस्था के नाम पर हिंदू महिलाओं के प्रवेश को गलत मानने वाले मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को सही ठहराते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि राजनीति के इस खेल में सिर्फ एक पार्टी है तो ऐसा कतई नहीं है। केरल में कांग्रेसी नेता भी धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को सबरीमाला में नहीं जाना चाहिए। The government of India take a stand to promulgate, to instigate the Rashtrapati to promulgate an ordinance. यहाँ होड़ ये है कि भावनाओं की फसल को काटे कौन, लेकिन पार्टियों की लड़ाई में नुकसान सिर्फ महिलाओं का हो रहा है। खबर का लबोलुभाव क्या है? वो ये है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है लेकिन कुरीतियों से लड़ने की हमारी इच्छा शक्ति, जो विल पावर है, वो उतनी ही छोटी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।